दोस्तों आप जानते ही होंगे कि टाटा स्काई के रिमोट में एक ऐसा फीचर होता है जिससे हम अपनी टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपने टीवी टाटा स्काई रिमोट से अपने टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टीवी की वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हैं, और अपने टीवी के जो हमारा एवी टीवी एवी का जो ऑप्शन होता है वो भी हम यहाँ से इस टाटा स्काई रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही म्यूट बटन और इसके अलावा और भी फीचर हम अपने इस टाटा स्काई रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये टाटा स्काई का रिमोट है और मैं इस रिमोट से अपने टीवी के फंक्शंस कंट्रोल करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं अपनी टीवी को ऑन करूँगा अपने टाटा स्काई रिमोट से। अभी देख सकते हैं टीवी ऑफ है, तो मैं टाटा स्काई के इस बटन से अपनी टीवी ऑन करूँगा। देखिए टीवी ऑन हो गया है। तो अब मैं इन वॉल्यूम की से टीवी के वॉल्यूम को कंट्रोल करूँगा। देखिए ये टीवी का वॉल्यूम कंट्रोल है, टाटा स्काई सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम कंट्रोल ये नहीं है। ये देखिए ये टीवी का रिमोट है और इससे भी हम इस वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और यही काम हम अपने टाटा स्काई रिमोट से भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैं कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन मैं टाटा स्काई रिमोट से अपने टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ। और जो टीवी के रिमोट से हम अपने इनपुट फीचर्स इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और टीवी में हमारा इनपुट के लिए बटन रहता है, जैसे यहाँ पर बटन है इनपुट के लिए, जिसमें अपने इनपुट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम एग्जिट करते हैं और यही काम हम अपने टाटा स्काई रिमोट से भी कर सकते हैं। जैसे ये एवी का बटन है, तो इससे अगर हम इसको दबाएंगे तो सेम सेटिंग जो अभी हम अपने टीवी के रिमोट से कर रहे थे वो अपने टाटा स्काई रिमोट से भी कर सकते हैं। ये देखिए और इसके अलावा म्यूट बटन को हम यूज कर सकते हैं। ये जो म्यूट बटन है टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर देगा। जैसे ये बटन हमारा टीवी रिमोट का ये बटन है, इससे भी हम अपने वॉल्यूम कर सकते हैं और यही काम अपने टाटा स्काई रिमोट से भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम और भी बटन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो टाटा स्काई के रिमोट को प्रोग्राम करने के लिए हम सबसे पहले दोनों रिमोट को एक दूसरे के आमने सामने लगभग 3-4 सेंटीमीटर दूर रख देंगे, और उसके बाद हम टाटा स्काई रिमोट पे बैक और टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे जब तक कि टाटा स्काई रिमोट की एलईडी दो बार ब्लिंक ना हो जाए। और ब्लिंक होने के बाद ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अब हमारा रिमोट प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले हम पावर बटन को प्रोग्राम करेंगे, जिसके लिए हम टाटा स्काई रिमोट में पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे और फिर 2 सेकेंड बाद रिलीज़ कर देंगे, और फिर हम अपने टीवी रिमोट में पावर बटन को प्रेस किए रहेंगे। तब तक प्रेस करेंगे जब तक स्काई रिमोट पर एलईडी दो बार ब्लिंक ना हो जाए। अगर दो बार ब्लिंक हो गई है इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्रामिंग सक्सेस हो गया। अगर एलईडी एक बार ब्लिंक होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्रामिंग फेल हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपने वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स को प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए टाटा स्काई रिमोट में हम वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस करेंगे 2 सेकेंड तक, फिर रिलीज़ कर देंगे। अब उसके बाद हम टीवी रिमोट में वॉल्यूम माइनस को प्रेस किए रहेंगे जब तक कि टाटा स्काई रिमोट की एलईडी लाइट्स दो बार ब्लिंक ना करें। दो बार ब्लिंक कर गई है इसका मतलब हमारी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो गई है। और अब हम इसी तरह वॉल्यूम प्लस बटन को भी प्रोग्राम कर लेंगे। एलईडी दो बार ब्लिंक हो गई है इसका मतलब है कि वॉल्यूम प्लस बटन भी हमारा प्रोग्राम हो गया है। और अब हम एवी बटन को प्रोग्राम कर लेंगे टीवी के
इनपुट बटन के साथ, जिससे कि हम अपने टीवी के इनपुट मोड्स को चेंज कर सकें, जैसे कि हमने यूएसबी यूज करना है या एचडीएमआई पोर्ट यूज करना है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया है। और इसके बाद हम एक म्यूट बटन को भी हम प्रोग्राम कर लेंगे। अब हम टीवी का म्यूट बटन प्रेस करेंगे। तो म्यूट बटन भी हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया है। और अब हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए सेलेक्ट की को प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए। एलईडी लाइट्स 2 बार ब्लिंक करेगी और बंद हो जाएगी। तो अब हम इस मोड को यूज करने के लिए अपने टाटा स्काई बटन में होम बटन और बैक बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और एलईडी लाइट्स हमारी 4 बार ब्लिंक होंगी। एक, दो, तीन, चार बार ब्लिंक हो गई है। अपने टाटा स्काई रिमोट को अब हम यूज कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम कीज को हम यूज कर सकते हैं, म्यूट बटन को यूज कर सकते हैं और एवी बटन पावर बटन को हम यूज कर सकते हैं।